नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत में बात बड़ी खबर की करेंगे। वाराणसी से बड़ी खबर बता दें, 14 मई को नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुष्प नक्षत्र में नामांकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। 14 मई को गंगा सप्तमी के साथ बन रहा है संयोग और इसी संयोग में वो नामांकन फाइल करने वाले हैं। काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन कर नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने मुहूर्त को सर्वोत्तम बताया है। रोड शो के बाद नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, तो शुभ मुहूर्त के अकॉर्डिंग नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 मई को वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, 13 मई को वो वाराणसी पहुंच जाएंगे, लेकिन 14 मई को एक भव्य रोड शो का भी आयोजन नॉमिनेशन के बाद किया जाएगा। सचिन पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या तैयारियां हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉमिनेशन को लेकर? बिल्कुल पुनीता, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को काशी विश्वनाथ के लंका कहा जाता है सिंह द्वार, वहां पर मालार्पण करेंगे मालवीय जी को, उसके बाद सीधा 5 किलोमीटर का जो रोड शो होगा उसके अंदर पूरी की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है और लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अंदर जो कह सकते हैं कि इंतजार है काशीवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यहाँ पर फिर से नामांकन करेंगे। लोग उत्साहित हैं, क्योंकि जनता इसलिए उत्साहित है काशी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दो बार के जब सांसद हुए तो इन्होंने इतना विकास कर दिया काशी को लेकर के कि जिससे कि जनता फिर से एक बार बुला रही है। तो कह सकते हैं कि इंतजार का जो है काशी के जो लोग हैं, काशी की जनता जो है वो उत्साहित होते हुए दिखाई दे रही है। इसके लिए पूरी की पूरी तैयारियां जो है भाजपा के कार्यकर्ता प्रशासन पूरी की पूरी तैयारियां चौक चौबंद कर दिया है, और पूरे क्योंकि वाराणसी के सीपी और वाराणसी के जो कलेक्टर हैं डीएम है उन्होंने पूरा का पूरा जायजा लिया है, और कहीं ना कहीं अमित शाह कल वाराणसी में थे और आज भी है, और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी, इन लोगों ने पूरे के पूरे दिशा निर्देश देते हुए पूरी की व्यवस्थाओं की जो जांच है वो करते हुए नजर आए, और लगातार जो कह सकते हैं इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि 13 तारीख कल के दिन जो यहाँ पर नाम वो करेंगे, रोड शो करेंगे, उसके बाद 14 को नामांकन करेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए सचिन, काशी सीट को इसलिए भी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री यहां से खुद नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। ऐसे में देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, वो लगातार तैयारियों को जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ अब शुभ मुहूर्त की भी खबर सामने आ रही है, शुभ मुहूर्त निकाला गया है और उसी वक्त प्रधानमंत्री नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। ऐसे में अगर तमाम चीजों को समझे, आकलन किया जाए, तो आखिर किस तरीके से वाराणसी का मुकाबला देखा जाए? देखिए, अगर हम बात करें पुनीता मुकाबले की, तो मुकाबला कल के जब यहाँ पर नामांकन प्रस्तुत कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी के सांसद, तो जितनी और सीटें जो यहाँ पर चुनाव होना है वो सीधा साथ के नजर आएंगे, क्योंकि पूर्वांचल की सियासत को समझना भी जरूरी हो जाता है, जिससे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी काशी की जो सीट है, क्योंकि हॉट सीट पूरे प्रदेश की कही जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए लगातार जो तैयारियां हैं और जो विपक्ष जो लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आ रहा है उससे भी कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि विपक्ष भी स्थिति से कहीं ना कहीं घबराया और थराया हुआ है। तो देख सकते हैं अब कल जब यहाँ पर रोड शो होगा, क्योंकि शाम के 5 बजे तक बताया जा रहा है कि शाम के 5 बजे यहाँ से रोड शो होगा, 5 किलोमीटर का रोड शो होगा ये, उसमें जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, एमएलए एमएलसी को भी जिम्मेदारी दी गई है, ब्लॉक स्तर की जो लोग आएंगे उनकी जिम्मेदारी दी गई है, तो कह सकते हैं कि जब ये रोड शो होगा वाराणसी की जो लंका सिंह द्वार से स्टार्ट होगा, उसके बाद जंगमबाड़ी होते हुए जो गदौलिया होते हुए सीधा विश्वनाथ में दर्शन करेंगे, कालभैरव दर्शन करने के बाद फिर जाकर के 14 तारीख को नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो भव्य रोड शो का आयोजन कल बीजेपी की तरफ से वाराणसी में किया जाएगा, और ये सिर्फ रोड शो नहीं होगा बल्कि शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी, साथ ही साथ पूरे पूर्वांचल पर बीजेपी की नजर, और यही वजह है कि इसका संदेश वाराणसी से देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है।